ठीक है भाई, पहले मैं ये वाली एक्सरसाइज ले रहा हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर भी बताऊंगा और कुछ लोगों के पास जैसे बुकलेट नहीं है तो उनको मैं क्वेश्चन भी डिक्टेट करूंगा, चिंता ना करो। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी हमारे पास क्या है, मैं क्वेश्चन नंबर 24 ले रहा हूँ, उल्टा स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है बेटा, पैरेलल प्लेट्स हैं प्लेट एरिया ए है, सेपरेशन इनके बीच में डी है। ठीक है, इतनी बात। और इसके अंदर जो मीडियम है, जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव परमिटिविटी है, वो वेरी कर रही है। अगर हम इसको y इक्वल टू जीरो लें और इसको y इक्वल टू डी लें तो y ऐसा हो गया, ये y एक्सिस हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी एट एनी y, किसी भी y पे रिलेटिव परमिटिविटी दे रखा एप्सिलॉन r इज इक्वल टू लेमडा सेक पाई y अपॉन 2d, ये रिलेटिव परमिटिविटी दे रखा है। क्लियर है भाई? अब आपसे पूछ क्या रहा है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बतानी है, इस कैपेसिटर की क्या बतानी है, कैपेसिटेंस बतानी है। क्लियर है सबको क्वेश्चन? क्लियर है तो यस लिखो भी फटाफट जल्दी से। ठीक है, अब हमें इसकी कैपेसिटेंस बतानी है। हमारा रिलेटिव परमिटिविटी डिस्टेंस के साथ क्या कर रहा है, बदल रहा है। डिस्टेंस कौन सा, वाई वाला। क्लियर है? अब सुनो, अब क्या कहानी है, हम इसके अंदर हमने इसके अंदर एक ऐसे करके dy थिकनेस की स्ट्रिप ले ली। ठीक है, इतनी बात। तो ये एक कैपेसिटर ये हो गया, फिर इसके अगला वाला dy, इसके पिछले वाला dy, ये सारे के सारे पतले पतले कैपेसिटर हो गए। तो ये पतला सा जो कैपेसिटर है इसको dc इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन r की वैल्यू यहां पर क्या होगी, चलो एप्सिलॉन r लिख देते हैं, a बाय व्हाट dy, यही आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये लिखा जा सकता तो यस लिखो फटाफट जल्दी से। प्रियांजलि के अलावा कोई जवाब नहीं दे रहा है भाई। ठीक है, अब क्या कहानी हमारे पास, अगला जो डीसी होगा सारे डीसी किस में होंगे, सीरीज में। ऑल डीसी, छोटे छोटे जो कैपेसिटर हैं, आर इन सीरीज, यस और नो, क्योंकि जो चार्ज यहां से एंटर करेगा उधर की तरफ से निकलेगा, यस और नो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जरा देखो, डीसी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर कितना, लेमडा सेक पाई वाई अपॉन 2d इंटू ए अपॉन डी वाई। ये कहानी आ गई, आ गई कि नहीं आ गई, यस और नो? ठीक है, अब खेल क्या हमारे पास, अब ये सारे सीरीज में है तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समीशन 1/dc। समीशन मींस व्हाट, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन 1/dc विद प्रॉपर लिमिट्स, यस और नो? ठीक है, अब 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
डी वाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ए सेक पाई वाई अपॉन टू डी। ये आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, वन अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लैम्डा। अच्छा, लिमिट कहां से कहां तक? जीरो टू डी। वाई की लिमिट कहां से कहां तक? जीरो टू डी। ए इंटीग्रेशन कॉस पाई वाई अपॉन टू डी इंटू व्हाट? डी वाई, जीरो टू डी। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक है, अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा बेटा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, इतनी बात। तो वन अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ए साइन पाई वाई अपॉन टू डी लिमिट जीरो टू डी, और यहां पर वन अपॉन पाई बाय टू डी। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? अरे यस और नो? ठीक है, अब अगर मैं लिमिट डाल दूं तो साइन पाई बाय टू आता है, दैट इज वन, और साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है। तो ये खत्म हो गया ऐसी लिमिट डालने पे। अब जरा देखो, ये टू डी ऊपर चला गया, हाँ या ना? तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया हमारे पास? C इक्विवेलेंट इज एप्सिलॉन नॉट लैम्डा पाई ए अपॉन टू डी। कोई दिक्कत है किसी को? अगर किसी को दिक्कत हो तो लिखो भाई, अगर क्लियर है तो यस लिख दो फटाफट। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, जो मुझे भेजा गया है। अगला क्वेश्चन मुझे किसी ने भेजा 19 नंबर इसी एक्सरसाइज का। अगली कहानी देखते हैं बेटा, अगला खेल क्या हमारे पास? 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर। डायलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर। चलो किसी ने पूछा है, बता देता हूं आदित्य, पता नहीं क्यों पूछ रहा है कोई। डायलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर। ये आइसोलेटेड एक कैपेसिटर है, चार्ज्ड है, इसके ऊपर चार्ज यहां प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू। अब हमने इसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? डायलेक्ट्रिक स्लैब। बाद में इंट्रोड्यूस कराया, पहले नहीं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल रिमेन सेम। यार ये तो थ्योरी में बताया मैंने, क्लास में साफ साफ बताया। देखो, फाइनल चार्ज सेम रहेगा, फाइनल चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस और नो? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका चेंज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कितना था, पहले कितना था? इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, हाँ या ना? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर चेंज नहीं करेगा। ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इतनी बात। पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज करेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर गया, एनर्जी चेंज करती करती है, यस और नो? बच्चों अगर ठीक है तो यस लिखें। ठीक है, चलो अब आते हैं 18th क्वेश्चन, भी पूछा किसी ने मुझसे। अब देखो बेटा, हमारे पास क्या है? 18। हाँ ये सही चल रहा है। 18 क्या है? कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू पोटेंशियल डिफरेंस V इनिशियली। एक कैपेसिटर है, उसके अक्रॉस हमने V वोल्ट की बैटरी लगा दी। अगर V वोल्ट की बैटरी लगा दी तो यहां प्लस सीवी चार्ज, यहां माइनस सीवी चार्ज। क्लियर है भाई? अरे यस और नो? आदित्य यस लिख रहा है, बाकी कोई लिख ही नहीं रहा है। हाँ, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर यू आई इज हाफ सीवी स्क्वायर। मैं पहले वाली कहानी पूरी लिख लेता हूं। वर्क डन बाय बैटरी इन दिस केस इज कितना चार्ज सप्लाई करा इसने? प्लस सीवी।
तो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना, सी वी स्क्वायर, और इनिशियली हीट डेसिपेटेड इज हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट, तो दोनों का सम आकर के ये आ गया। ये पहले की कहानी थी, यस और नो? अरे पहले स्टेप की कहानी है, अब दूसरा स्टेप क्या है बेटा? नाउ इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 2V विथ अपोजिट पोलैरिटी। अब इसको क्या कर रहे हैं हम, इसी कैपेसिटर को, चार्ज्ड वाले को पहले यहां प्लस सीवी है, यहां माइनस सीवी है, इसको हमने ऐसे 2V से कनेक्ट करा। ठीक है भाई, ये कह रहा है, ठीक है ऐसे 2V से कनेक्ट करा। अब वो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड टू द फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, जो हीट जनरेट हुई और जो फाइनल एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हुई उनका रेशियो। ठीक है, इतनी बात तो कर देते हैं बेटा। देखो अब एक मिनट मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मैं स्विच बंद करता हूं, चलो इनिशियल एनर्जी स्टोर कितनी है इसमें, ये रही, यही है कि नहीं इनिशियल एनर्जी, यस और नो? मैंने क्या कहा, इनिशियली एनर्जी स्टोर्ड कितना है, हाफ सीवी स्क्वायर। ठीक है चलो, अब जब हमने ये बैटरी कनेक्ट करी, स्विच बंद करा, तो यहां आएगा प्लस सीवी और यहां आएगा माइनस सीवी, यस और नो? और बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई करा, नहीं प्लस सीवी नहीं बेटा, प्लस 2CV और यहां कितना माइनस 2CV, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? हार्दिक यस लिख रहा है, गगन यस लिख रहा है। ठीक है भाई, आप एक बात बताओ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2V होना चाहिए। 2V होने के लिए यहां पर 2CV और यहां पर कितना माइनस 2CV, यस और नो? ठीक है, अब खेल क्या है, हाँ अब जरा देखो, इसका मतलब बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई करा, प्लस 3CV, कितना सप्लाई करा, प्लस 3CV, क्यों? पहला प्लस सीवी माइनस सीवी को क्या करने लगेगा, न्यूट्रलाइज, उसके बाद बाकी प्लस 2CV बैटरी कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर स्टोर होगा। भाई गगन कह रहा है कैसे, एक बात बता, यहां पर चार्ज कितना था पहले माइनस सीवी, बाद में कितना आया प्लस 2CV, गगन तो एक बात बता कितना चार्ज आया होगा तभी प्लस 2CV हो सकता है, माइनस सीवी की जगह चार्ज प्लस 2CV हो गया, तो वही तो लिख रहा हूं भाई, 3CV मैं भी लिख रहा हूं, मैंने कुछ अलग नहीं लिखा। तो बैटरी ने कितना चार्ज दिया, प्लस 3CV। अब वो क्या कह रहा है, हीट डेसिपेटेड टू फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब जरा देखो, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ सी इंटू 4V स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2V है। अरे यस और नो? देखो भाई, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ सी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर, पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, 2V, 2V का स्क्वायर ही आ जाएगा, मतलब कितना हो गया फाइनल एनर्जी स्टोर्ड, 2CV स्क्वायर, ये हो गया। अब हीट निकालते हैं, तो वर्क डन बाय बैटरी इन दिस केस इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एच, यही होता है कि नहीं होता है? भाई जो बैटरी ने काम करा वो कैपेसिटर कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने में गया कुछ हिस्सा, और बाकी जो रहा होगा वो किसमें जाएगा, हीट में डेसिपेट हो जाएगा। तो बैटरी ने काम कितना करा, 3CV इंटू 2V, कितना 6CV स्क्वायर, डेल्टा यू दिस माइनस दिस, तो 2 माइनस हाफ कितना 1.5CV स्क्वायर प्लस एच, ये आया कि नहीं आया? गगन दी बैटरी वाला क्यों नहीं समझ में आया, वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला बताना गगन, पहले फटाफट वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला बता जल्दी से, गगन वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला बताओ, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, जरा चार्ज बताना कितना है इसमें, चार्ज कितना सप्लाई करा बैटरी ने गगन दी? अबे 3CV करा भाई, ये तुझे अभी बताया मैंने, चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इज व्हाट 3CV एंड पोटेंशियल इज व्हाट 2V, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आया 6CV स्क्वायर। हाँ तो बस इतना कैसे एब्सेंट माइंड हो जाता है। अब इधर ले आओ, कितना हो गया 4.5CV स्क्वायर इज इक्वल टू एच,
हाँ या ना। अब उसने हमसे क्या पूछा बेटा, उसने हमसे पूछा है रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड टू द फाइनल एनर्जी स्टोर्ड, मतलब क्या पूछा है, एच अपॉन यू फाइनल, ये पूछा है। एच अपॉन यू फाइनल करो तो क्या आ गया, 4.5 अपॉन 2, यानी कितना, 2.25। यस और नो? अब जरा देखो 17th क्वेश्चन, 17th पूछा किसी ने मुझसे, 17th क्या है, कैपेसिटर सी इज इनिशियली चार्ज्ड बाय बैटरी ऑफ पोटेंशियल वी, तो यहां प्लस सी वी, यहां माइनस सी वी, ये इनिशियल कंडीशन दे दी गई, ठीक है इतनी बात। अब बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, अब बैटरी हटा दी, ठीक है, तो अब बैटरी हमने हटा दी, अभी भी इस पे चार्ज प्लस सीवी, इस पे माइनस सीवी, बैटरी डिस्कनेक्टेड, अब ये आइसोलेटेड कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटेंस इसके कितनी, सी। अब वो क्या कह रहा है, नाउ इफ कैपेसिटर प्लेट्स आर ब्रॉट क्लोज बाय सम डिस्टेंस, अगर हम प्लेट्स को नजदीक लाते हैं कुछ डिस्टेंस से, प्लेट्स को क्या करते हैं, नजदीक लाते हैं कुछ डिस्टेंस से, ठीक है इतनी बात, तो क्या होगा, चलो अगर हम नजदीक लाते हैं तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, अगर डी रिड्यूस करेगा तो सी क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, इफ सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स डिक्रीज्ड देन सी इंक्रीजेस, यस और नो, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब मजेदार बात देखो, मजेदार बात यह है कि भाई चार्ज में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज में कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि आइसोलेटेड है, चार्ज चेंज तो होना नहीं है, कैपेसिटेंस लेकिन घट रही है, तो अगर मैं इस सिचुएशन में एनर्जी देखूं इनिशियल, तो दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर। अब अगर इस सिचुएशन में देखें तो यू फाइनल इज चार्ज क्यू स्क्वायर ऑन 2C- नया कैपेसिटेंस, ठीक है, तो जरा देखो सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2C-, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले बताओ मुझे, यस और नो बेटा, यस और नो जल्दी लिखो, ठीक है। अब एक बात तो C- C से छोटा है, तो U फाइनल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई कि नहीं हो गई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर विल इंक्रीज। अच्छा सी बड़ा है बेटा, गलत हो गया, सी बड़ा है तो क्या कर गया, घट गई, ठीक है, सी डैश बड़ा है तो एनर्जी क्या कर गई, घट गई, तो अपने आप कंक्लूड कर सकते हो आप, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर विल डिक्रीज, कोई दिक्कत है इसमें, किसी को दिक्कत, ठीक है चलो नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बेटा, 15 नंबर, क्या है, कंडक्टिंग बॉडी वन हैज इनिशियल चार्ज क्यू एंड इट्स कैपेसिटेंस इज सी, ये कंडक्टिंग बॉडी है, इस पे इनिशियल चार्ज प्लस क्यू, कैपेसिटेंस सी, ये अब क्या कहानी बेटा, ये कैपेसिटेंस सी है, चार्ज इस पे क्यू है, अब एक और कैपेसिटर है हमारे पास, दिस इज कैपेसिटर वन, एक कैपेसिटर और है टू, इसकी कैपेसिटेंस 2C, और एक तीसरा कैपेसिटर है 3, इसकी कैपेसिटेंस इंफिनिटी, ये हमें दे रखा है, ठीक है। बॉडीज 2 and 3 आर इनिशियली अनचार्ज्ड, 2 और 3 वाली बॉडी पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, क्लियर है भाई, बॉडी 2 and 3 आर इनिशियली अनचार्ज्ड, ठीक है, उन पे कोई चार्ज नहीं है। अब वो क्या कह रहा है,
बॉडी टू इसको हम टच कराते हैं इससे, ठीक है इतनी बात, इससे टच कराते हैं बॉडी, और उसके बाद टू नहीं क्या लिखा, बॉडी टू इज टच्ड विथ वन, वन के साथ टच कराया हमने, उसके बाद हटा लिया, फिर बॉडी टू को थ्री के साथ टच कराया, ठीक है फिर हटा दिया, और ये प्रोसेस हम एन टाइम्स कर रहे हैं, तो पहली बार करते हैं इसको इधर टच कराया फर्स्ट टाइम, तो जरा देखो हमने पढ़ा हुआ है दो कैपेसिटर हैं, ठीक है इतनी बात, इस पे चार्ज जीरो है, इस पे चार्ज क्यू है, तो चार्ज क्या होगा रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है इतनी बात, तो अब चार्ज जब रीडिस्ट्रीब्यूट होता है तो सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल कब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब तक पोटेंशियल दोनों का क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता, यस और नो, चार्ज तब तक एक दूसरे पे फ्लो करेगा जब तक कॉमन पोटेंशियल नहीं आ जाता, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, वी सी इज सी वन वी वन, दैट इज इसका चार्ज कितना क्यू, इस पे चार्ज क्या था जीरो, सी टू वी टू कितना है जीरो है क्योंकि पोटेंशियल ही जीरो था, अपॉन सी वन प्लस सी टू कितना थ्री सी, ये हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो, ये चीज क्लियर है या नहीं बेटा, ये बात क्लियर है तो जल्दी से लिखो, ठीक है, अब जरा देखो इसका मतलब इस पे अब चार्ज कितना हो गया C इंटू वी सी, यानी कि इस पे चार्ज हो गया Q बाय थ्री, और इस पे कितना हो गया 2C इंटू वी सी, तो कितना हो गया 2Q बाय थ्री, ये आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, अरे यस और नो, अब हमने इसको इससे टच कराया, यहां से हटा लिया, अब इससे टच कराते हैं, अब इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, VC will be C1 V1 इसका चार्ज 2Q by 3 upon C1 plus C2 2C plus infinity 2C plus infinity, yes or no, एक लड़की को 2 और 3 वाला नहीं समझ में आया, 1 और 2 वाला समझ में आ गया, 1 और 2 वाला डिस्ट्रीब्यूशन सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया पहले बताओ, ठीक है अब हम 2 और 3 में आते हैं, भाई इस पे चार्ज इनिशियली कितना है इस वाली बॉडी पे 2q by 3 है, अब जब इसके साथ कनेक्ट होगा तो ये चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है आपको पढ़ाया हुआ मैंने, vc इज इक्वल टू चार्ज ऑन वन बॉडी प्लस चार्ज ऑन सेकंड बॉडी अपॉन c1 प्लस c2, यही पढ़ाया है, तो चार्ज ऑन वन बॉडी इज व्हाट 2q by 3 एंड c1 प्लस c2 2c प्लस इंफिनिटी, अब बताना भाई, तो VC क्या आ गया, जीरो आ गया, VC क्या आ गया, जीरो आ गया, VC जीरो आ गया, तो अब फाइनल चार्ज इस पे 2C into VC क्या हो गया, जीरो, और इस पे भी क्या हो गया, जीरो, इन्फिनिट कैपेसिटेंस है, ठीक है पोटेंशियल में इसके कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अर्थ पे अर्थ की कैपेसिटेंस क्या होती थी, बहुत ज्यादा होती थी, इसलिए उसमें कितना भी चार्ज दो कितना भी चार्ज लो उसके पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो यहां पर भी क्या हो गया, जीरो, खेल खत्म, ये आ गया फर्स्ट टाइम में कहानी, अब इसको भूल जाओ, अब अगर मैं सेकंड टाइम करता हूं, अब मैं क्या करूंगा, इसको टच कराऊंगा इससे दोबारा से, अब इस इन दोनों को जब आपस में टच कराऊंगा तो कॉमन पोटेंशियल वी सी इज इक्वल टू चार्ज ऑन दिस प्लस चार्ज ऑन दिस, तो कितना क्यू बाय थ्री सी वन प्लस सी टू कितना 3c, तो vc कम्स आउट टू बी q अपॉन 3 स्क्वायर c, आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना, कितना आ गया 3 स्क्वायर c, अरे क्लियर है, ये सूर्य को क्लियर है, बाकी कोई अनन्या को क्लियर है, मन कीरत को क्लियर है, नॉन मेड वालों मेडिकल वालों तुम भी बोलो कुछ, दीप सिमरनजीत को क्लियर है, हार्दिक को क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, अब जरा देखो, तो इस पे चार्ज कितना हो गया C इंटू कॉमन पोटेंशियल, तो कितना हो गया बेटा Q अपॉन 3 स्क्वायर, ये आ गया, अब इससे मल्टीप्लाई करो तो C से C कट गया, कितना आ गया 2Q अपॉन 3 स्क्वायर C, ठीक है, अब देखो जरा एक मिनट, अब हम इन दोनों को टच कराएंगे, अब किसको टच कराएंगे, इन दोनों को टच कराएंगे, इन दोनों को जब आप टच कराओगे
तो जरा देखो क्या खेल चल रहा है। इन दोनों को टच कराते ही वी सी इज इक्वल टू चार्ज 2q/3² c और 2c+∞। अगेन ये क्या हो गया, जीरो हो गया भाई, हो गया जीरो, और ये जीरो हो गया तो सारा ही जीरो हो गया टच करने पे, ये भी जीरो और ये भी जीरो, खेल ही खत्म हो गया। हाँ या ना, दो बार हो गया। अब तीसरी बार करोगे तो ये आ जाएगा q/3² चौथी बार करोगे तो q/3⁴। तो हमने कितनी बार टच करना है बेटा, n टाइम्स, ठीक, कितनी बार, n टाइम्स अगर करना है तो आंसर क्या हो गया, q/3n, 3⁴n। ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो? ठीक है, चलो बढ़िया। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे 14 पूछा गया बेटा, 14 कैपेसिटेंस है हमारे पास, सी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस वी, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस वी कर दिया, मतलब इसको पहले हमने चार्ज कर दिया, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस वी, तो यहां चार्ज कितना, प्लस सी वी, यहां माइनस सी वी, ऐसा कुछ। बैटरी हटा दी हमने, अब बैटरी हमने हटा दी, क्वेश्चन में यही कह रहा है कि हमारे पास कैपेसिटर है, उसको हमने चार्ज होने दिया वी वोल्ट तक, उसके बाद हमने बैटरी हटा दी, क्लियर है? अरे क्लियर है तो यस लिखो फटाफट। अब वो क्या कह रहा है, हमने बड़ी वाली पॉजिटिव वाली प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दे दिया, पॉजिटिव वाली प्लेट को कितना चार्ज दे दिया, प्लस क्यू, सिर्फ पॉजिटिव वाली को, क्लियर है? नाउ व्हाट वुड बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, अब प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है? तो अब इसे नए सिरे से पढ़ते हैं, नए सिरे से पढ़ते हैं, तो देखो कैसे, इस प्लेट पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू प्लस सी वी, और इस प्लेट पे कितना है, माइनस सी वी, ऐसा ही है या नहीं? पॉजिटिव प्लेट पे क्यू प्लस सी वी है टोटल चार्ज, और नेगेटिव प्लेट पे माइनस सी वी। अब क्या कहानी ये आ गया, अब हम क्या करें, अगेन दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा वैसे ही, दोबारा से हम क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन लेंगे चार्जेस का। तो इस पे चार्ज अगर मैं एक्स कहता हूं, तो इस पे क्यू प्लस सी वी माइनस एक्स, क्योंकि टोटल तो इतना ही रहना है, यहां इसके सामने माइनस एक्स आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा या नहीं, कंडक्टर्स के आमने सामने प्लेट्स पे चार्ज सेम नेचर का होता है, सॉरी सेम मैग्नीट्यूड का होता है, अपोजिट नेचर का होता है, यहां माइनस एक्स, तो यहां माइनस सी वी प्लस एक्स, क्योंकि टोटल माइनस सी वी होना है, ऐसे ही पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोस्टैट में, अरे यस और नो? अब एक चीज और पढ़ी थी हमने, आउटर प्लेट्स का चार्ज सेम होता है ताकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहे, बस कर दो यार, तो क्या हो गया, क्यू प्लस सी वी माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस सी वी प्लस एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्यू बाई टू प्लस सी वी, ये आया कि नहीं आया, जरा देखो आ गया, तो एक्स की वैल्यू होगी क्यू बाई टू प्लस सी वी, इधर माइनस क्यू बाई टू माइनस सी वी, ठीक है, इतनी बात। अब यहां पर एक्स अगर हम ऐड कर दें दोनों साइड जो भी आएगा, ये तो एक्स हो गया, अब इधर कितना आ गया, माइनस सी वी, और ये नेगेटिव आया तो प्लस एक्स डालना है, प्लस क्यू बाई टू प्लस सी वी, मतलब क्या आ गया, इधर क्यू बाई टू आ गया, और इधर भी क्या आ गया, क्यू बाई टू आ गया, हां या ना? अरे एक्स कोई भी चार्ज था सार्थक, मैंने मान लिया कि अंदर वाली प्लेट पे चार्ज एक्स था, कृतिका कह रही रिपीट कर दो, बेटा जैसे ही समझ ना आया वैसे ही टाइप कर दिया करो कि ये स्टेप हमें समझ नहीं आया, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको उसमें इलेक्ट्रोस्टैट में, आपके पास एक कैपेसिटर है वो पहले से चार्ज है, कितने वोल्ट से, वी वोल्ट से, तो इस पे प्लस सी वी चार्ज, इस पे माइनस सी वी चार्ज, और बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, ऐसा गिवन है आपको,
ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब उसने क्या कहा कि हमने पॉजिटिव प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दे दिया। भाई पॉजिटिव प्लेट को क्या चार्ज दे दिया? प्लस क्यू चार्ज दे दिया। क्लियर है? अब एक बात बताओ यार, ये सवाल इलेक्ट्रोस्टैट जैसा नहीं है कि कंडक्टिंग प्लेट्स को हमने चार्ज दे रखा है, पहली प्लेट को कुछ दे रखा है, दूसरी प्लेट को कुछ दे रखा है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा कब तक? जब तक कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं हो जाती? जीरो नहीं हो जाती। और जब पैरेलल प्लेट ऐसा अरेंजमेंट था तो हमने पढ़ा हुआ था कि प्लेट्स के आमने सामने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम होता है, नेचर अपोजिट होता है, और आउटर सर्फेसेस पे प्लेट्स के चार्ज सेम होता है मैग्नीट्यूड में और नेचर में भी, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पे क्या आती है? जीरो आती है। ठीक है, चलो अब देखो। तो मैंने क्या करा यहां, अब देखो इस पे टोटल चार्ज कितना है? क्यू प्लस सीवी। तो मैंने क्या करा, यहां पे चार्ज एक्स मान लिया, तो यहां पे क्यू प्लस सीवी माइनस एक्स, यही होगा कि नहीं होगा? टोटल तो यही रहा, इस पे माइनस एक्स आएगा, ऑब्वियस सी बात है सामने ऐसी होता है। तो यहां कितना हो गया? माइनस सीवी प्लस एक्स। अब इन दोनों का चार्ज बराबर होगा तभी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो इन दोनों को बराबर करेंगे तो q प्लस सीवी माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस सीवी प्लस एक्स। तो जरा देखो x क्या आ गया, q बाय टू प्लस सीवी आ गया, आ गया। अब हम x की वैल्यू डालते हैं, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। x की वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू डालते ही आपको यहां मिल गया प्लस क्यू बाय टू प्लस सीवी, इधर आ गया माइनस क्यू बाय टू माइनस सीवी, यहां पे प्लस क्यू बाय टू और यहां प्लस क्यू बाय टू, ये आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भाई कि नहीं आ गया? अरे यस और नो, अब मेरी बात सुनो। पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, यस और नो? बच्चों बोलो। अब एक बात तो, इसकी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तो क्या होगी? जीरो, क्योंकि प्लस क्यू बाई टू की इधर और इस वाले प्लस क्यू बाई टू की इधर। तो बाहर वाली प्लेट्स, मैंने कहा भी था जो आउटर सरफेस पे चार्ज आता है कैपेसिटर के प्लेट्स पे, वो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस पे कंट्रीब्यूट नहीं करता, पता है ना बात? क्योंकि उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? जीरो हो रही है। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है न्यू चार्ज ऑन एनी वन ऑफ द प्लेट अपॉन कैपेसिटेंस, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? ई इंटू डी की बजाय कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, तो चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट अपॉन कैपेसिटेंस भी हो सकता है, तो कर दो भाई। तो वी न्यू इज इक्वल टू क्यू बाय टू सी प्लस वी, ये आ गया अपने पास। आ गया कि नहीं आ गया? चल अब ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। बेटा ये क्वेश्चन शायद मैंने कराया आपको क्लास में, ऐसा ही कुछ। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो कह रहा है स्विच बंद करने पे चार्ज बता दो दोनों पे और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस बता दो। बता देते हैं भाई, देखो ये एक ही लूप है तो चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, सपोज प्लस क्यू फ्लो कर रहा है तो प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है। चल अब देखो लूप लॉ चला देते हैं, यहां से चलते हैं, माइनस सिक्स प्लस क्यू बाय फोर माइनस ट्वेल्व प्लस क्यू बाय एट
इक्वल टू जीरो। इस स्टेप में किसी को दिक्कत हो भाई तो बोलो फटाफट जल्दी से, कर दो भाई। क्यू इज इक्वल टू 48। चार्ज तो दोनों कैपेसिटर पे सेम है भाई, चार्ज दोनों कैपेसिटर पे क्या है, सेम है, हाँ या ना? अरे निकम्मो, मैं सही कह रहा हूं। अब पोटेंशियल ड्रॉप देख लेते हैं। C1 के अक्रॉस Q अपॉन C1, 48 अपॉन 4 कितना 12, V2 Q अपॉन C2 48 अपॉन 8 कितना 6। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस V1 इज ग्रेटर देन दैट अक्रॉस V2। अरे क्लियर है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास 7th। अब 7th क्वेश्चन क्या है, एक कैपेसिटर है कैपेसिटेंस C0 का, उसको हमने बैटरी से V0 से चार्ज करा और आइसोलेट कर दिया। मतलब हमारे पास एक कैपेसिटर है C0, इट इज चार्ज विथ बैटरी ऑफ पोटेंशियल V0। तो यहां पे प्लस C0 V0, यहां माइनस C0 V0, उसके बाद आइसोलेट कर दिया, ये ऐसा कुछ। क्लियर है, क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, कैपेसिटर C0 है, उसको हमने पोटेंशियल V0 से चार्ज करा और फिर बैटरी आइसोलेट कर दी। क्लियर है भाई। अब मैंने क्या करा इसको, अब क्वेश्चन में क्या है, इस कैपेसिटर को हमने एक कैपेसिटेंस से कनेक्ट करा सी से, अनचार्ज वाले से, तो इसको कनेक्ट कर दिया हमने अनचार्ज वाले से, अनचार्ज वाला ये रहा सी। सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले करा था हमने। तो बेटा अब जरा देखो, इससे चार्ज इस पे आएगा कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं होता, कॉमन नहीं आ जाता। तो वी सी इज इक्वल टू C0 V0, इस पे तो चार्ज था ही नहीं, प्लस जीरो अपॉन C0 प्लस सी, ये आ गया VC, आ गया कि नहीं आ गया भाई? ठीक है, अब ये आ गया। अब जरा देखो, अब इसका पोटेंशियल हो गया VC, इसका भी क्या हो गया VC, और इस पे चार्ज कितना हो गया, प्लस सी इंटू VC माइनस सी इंटू VC, और इस पे C0 इंटू VC माइनस C0 इंटू VC, ये आ गया, ये कहानी बन गई एक बार में। ठीक है, इतनी बात। अब हमने क्या करा, अब हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया और इसको दोबारा से हमने V0 तक चार्ज करा, दोबारा से, तो ये V0 हो गया, ये V0 हो गया, और इस पे चार्ज कितना मैं लिख देता हूं क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है यहां पर, प्लस सी, ये क्या आया था पहले, कॉमन पोटेंशियल कितना आया था बेटा, भूल गया, C0 V0 अपॉन C0 प्लस सी, तो सी इंटू C0 V0 अपॉन C0 प्लस सी, ऐसा आया था ये पहले। इसको दोबारा से हमने डिस्कनेक्ट करा, ऊपर वाले कैपेसिटर को हमने दोबारा से वहां से डिस्कनेक्ट कर दिया फर्स्ट सिचुएशन से, और दोबारा से चार्ज करा अप टू पोटेंशियल व्हाट, V0, अप टू व्हाट पोटेंशियल, V0। ठीक है, इतनी बात। अब हमने दोबारा चार्ज कर दिया इसे, ठीक है, कर दिया V0 तक। अब इस पे अगेन ये चार्ज आ गया, अब हमने फिर से इसे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करा बेटा तो नया कॉमन पोटेंशियल, दिस चार्ज प्लस दिस चार्ज अपॉन C0 प्लस सी, तो कितना हो गया, C0 V0 प्लस सी C0 V0 अपॉन सी प्लस C0 अपॉन सी प्लस C0।
हाँ या ना? अरे यस और नो, ये सेकंड टाइम करा हमने, ठीक है? सेकंड टाइम करा तो जरा देखो कॉमन पोटेंशियल क्या हो गया। वीसी इज इक्वल टू, जरा देखो कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ आ रहा है, सी नॉट वी नॉट कॉमन, वन प्लस सी अपॉन सी प्लस सी नॉट अपॉन सी प्लस सी नॉट। हमसे पूछा क्या इसने, लार्जर का पोटेंशियल आफ्टर एन टाइम्स, ये तो दूसरी बार में चल रहा है, ठीक है? एक काम करो, ओए होए, इसको अंदर भेज दो। ऐसी ऐसी हम एन टाइम्स कर रहे हैं बेटा, कितनी बार कर रहे हैं, एन टाइम। चलो एक मिनट सुनो, ये आ गया, ठीक है? तुम्हें बी सी आ गया। अब जो चार्ज आएगा सेकेंड टाइम में दोनों कैपेसिटर, इस वाले कैपेसिटर पे, वो कितना हो जाएगा, सी इंटू वी सी। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सेकेंड टाइम में चार्ज यहां पर आ गया, और इसको फिर से डिस्कनेक्ट करा हमने और फिर से हमने चार्ज कर दिया यहां तक। और अब चार्ज कितना है, जरा देखो लिख देता हूं मैं, कितना है बेटा, कई बार करना पड़ेगा आपको प्रोसेस। कितना है, सी सी नॉट वी नॉट वन प्लस, एक काम करें थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, चलो यहां लिख देते हैं, ये हो गया पॉजिटिव वाला, इतना इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव वाला। अब हमने दोबारा से कर दिया भाई इसको कनेक्ट एक बार और, अब एक बार और कनेक्ट करा तो अगेन कॉमन पोटेंशियल। अब नया कॉमन पोटेंशियल देखो, ये एक सीक्वेंस बन जाएगी बेटा ऐसे। अब कॉमन पोटेंशियल क्या आ गए, वी सी इज इक्वल टू, तीसरी बार कर रहे हैं ध्यान रखना, वी सी इज इक्वल टू सी नॉट वी नॉट प्लस सी सी नॉट वी नॉट अपॉन सी प्लस सी नॉट वन प्लस सी अपॉन सी प्लस सी नॉट अपॉन सी प्लस सी नॉट। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना? अब जरा देखो, अब क्या कहानी है, ये तीसरी बार हो गया तो वी सी क्या आया हमारे पास, कॉमन एक काम करो ऐसा आ गया प्लस ये आ रहा है, कुछ ऐसी सीक्वेंस ही बन रही है। अगर हम एन टाइम्स करेंगे, मनकीरत क्या कह रही है, सर चार्ज के लूप क्लॉकवाइज हैं तो नीचे वाले पे पॉजिटिव, बेटा गलत बात। अगर हम मनकीरत यहां देख, इन्हीं दोनों का चार्ज तो मैं आपस में पढ़ रहा हूं, या आप इन दोनों का पढ़ लो भाई, यही दोनों तो आपस में कनेक्टेड हैं, चार्ज यहीं से ही तो फ्लो करेगा, ठीक है? तो मुझे इन दोनों प्लेट्स का भाई, इन दोनों प्लेट्स का चार्ज कंजर्व रखना है ड्यूरिंग रिडिस्ट्रीब्यूशन। मनकीरत मनकीरत, ठीक है? तो एक बात बता, पहले इस पे सी नॉट वी नॉट था, इस पे जीरो था, तो मैंने कॉमन पोटेंशियल कैसे निकाला, सी नॉट वी नॉट अपॉन सी नॉट प्लस सी। दूसरे में इस पे कुछ आ गया था और इस पे क्या था, सी नॉट वी नॉट ही था, हमने क्योंकि इसे दोबारा चार्ज कर दिया था, तो दोबारा से जब वापस आया तो कुछ आ गया, फिर तीसरी बार करा हमने यही काम, करते जा रहे हैं, कुछ ऐसी सीक्वेंस आ रही है। अब वो क्या कह रहा है, जब आपने ये ड्रामा कितनी बार कर दिया, एन बार कर दिया, तो वीसी की वैल्यू क्या आ गई, वी आ गई। वो ये कह रहा है वीसी की वैल्यू क्या आ गई, वी आ गई। तो ठीक है, तो एन बार जब करोगे तो वी इज इक्वल टू ये आएगा कुछ n माइनस वन, सॉरी थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ये आ जाएगा, क्लियर है भाई? अब ये ड्रामा क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है,
अरे क्या बन रहा अभी, एक जीपी बन रहा है, यस नो? बच्चों जल्दी बोलो यार, अब इस जीपी का सम कर लो आप लोग, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? जीपी का सम करोगे, सॉल्व करोगे, आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है? इतनी बात। अब इसके बाद आते हैं हम, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 4 पूछा, 3 लॉन्ग कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल शेल्स हैं, एक सिलेंड्रिकल शेल आर रेडियस का, एक 2R रेडियस का, और एक 2√2R का, ठीक है? इतनी बात। इनर एंड आउटर शेल्स आर कनेक्टेड टू इच अदर, सबसे अंदर वाला और सबसे बाहर वाला एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इसको हमने अर्थ कर दिया, या रुको, ये रहा, ठीक है? इतनी बात। मुझे क्या बताना है, इनर और ये मिडल वाले के बीच में कैपेसिटेंस, तो ठीक है भाई, अगर मैं इसको ई कहता हूं और इसको जीरो कहता हूं, तो ये भी ई और ये भी ई और ये जीरो, हां या ना, ये बताओ मुझे। अरे यार आप ऐसे देखो ना, टॉप व्यू देखो, आर टू आर और ये जो भी था, ठीक है? इतनी बात, ऐसा है, ठीक। इन दोनों को हमने कनेक्ट कर रखा है आपस में, और ये अलग है, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस कैप्सेंस बतानी है। तो मैंने अगर यहां ई दिया, यहां जीरो दिया, तो अगर ये ई है तो ये भी ई है और ये जीरो है, दो कैपेसिटर आगे के नहीं आगे। अब सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला आपको पता है, क्या पता है फॉर्मूला, जरा बताना। सी इज इक्वल टू, याद करो भाई, 2π, कोई बताओ भी, लिखो जरा, लिखो फटाफट, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स पैरेलल प्लेट वाला मैंने डिराइव कराया है, जल्दी बेटा समय नहीं इतना। 2π, अबे एप्सिलॉन नॉट कौन लिखेगा निकम्मो, हाँ 2π एप्सिलॉन नॉट, पर यूनिट लेंथ ले लूं या लेंथ रखें, एल अपॉन लॉग बी बाय ए। अब दोनों पैरेलल में है, सबसे पहले तो ये दोनों और फिर ये दोनों, ठीक है? तो चला देखो, C1 इज 2π एप्सिलॉन नॉट एल लॉग बी बाय ए, बी हो गया 2R और ए हो गया आर, तो लॉग कितना, लॉग 2। C2 इज 2π एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन लॉग C/B, क्योंकि इसके और इसके बीच में C कितना, 2√2R अपॉन 2R, तो कितना आ गया, √2 आ गया बेटा। अब दोनों का सम, तो सी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, 2π एप्सिलॉन नॉट एल कॉमन, ठीक है? इतनी बात। वन अपॉन लॉग 2 प्लस वन अपॉन लॉग √2, यानी कि हाफ, यानी कि यहां 2 आ गया, लॉग 2, ऐसा लिख सकता हूं, मैथ्स तो आती है इतनी। अरे लॉग √2 था तो उसका हाफ बाहर आ जाएगा, मेडिकल वालों, अरे मेडिकल वालों जिंदा हो जाओ। हां अब देखो जरा क्या आ गया, सी इज इक्वल टू 6π एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन लॉग 2। अब पर यूनिट लेंथ उसने आंसर दे रखा है, ठीक है भाई? अरे ठीक है, चलो अब यहीं पर लेक्चर रोकूंगा।